मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में चर्चा के दौरान भारत सरकार द्वारा बस्तर के नगरन इस्पात संयंत्र का डिस इन्वेस्टमेंट न करते हुए डिस इन्वेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस संयंत्र को खरीदने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे, छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प, यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम NMDC द्वारा स्थापनाधीन नगरन इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है, सर्वसम्मति से पारित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों का है, बस्तर के लोगों का इससे भावनात्मक लगाव रहा है। जमीन सार्वजनिक उपक्रम के लिए दी गई थी, खदान भी NMDC को शर्त पर दी गई थी कि NMDC यहाँ इस्पात संयंत्र लगाएगा। राज्य शासन की भी और जनता की भी यही मनसा थी, इसे लेकर लगातार आंदोलन भी हो रहे थे। भारत सरकार इस संयंत्र के विनिवेश के लिए तैयारी कर रही है और सितंबर 2021 तक इसे पूर्ण करने की तैयारी में है। इस मामले में डिमर्जर कर खदान को NMDC से अलग किया गया है, ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरनार के मामले में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नवंबर 2016 को NMDC की नगरनार स्टील प्लांट के 51% शेयर निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने की सहमति दी। दुर्भाग्यजनक बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा कि यदि इसे निजी हाथों में सौंपा जाएगा तो नक्सली गतिविधियों को काबू करना कठिन हो जाएगा। सीएम बघेल ने विपक्ष से कहा कि इसके बारे में जब रविंद्र चौबे बोल रहे थे तब आप लोग आपत्ति ले रहे थे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। सीएम बघेल ने कहा NMDC को खदान लीज शर्त पर दी गई थी कि वह नगरनार स्टील प्लांट लगाएगा। सीएम बघेल ने कहा कि हम बस्तर के आदिवासियों, परंपरागत निवासियों, सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जमीन वापस करने की बात हो, चाहे तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत पट्टे, सामुदायिक पट्टे, लघु वनोपज जो 7 खरीदते थे उसे बढ़ाकर 52 करके जो 7 खरीदते थे उसे बढ़ाकर 52 करके वैल्यू एडिशन की बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, लगातार हमारी कोशिश है कि हम विश्वास जीतें। उसका परिणाम है कि आज नक्सली पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको मैं कहना चाहूँगा, यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम NMDC द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने ये तो सहमत है। इस प्रकार से प्रस्ताव पूरे सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.